गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन के अंतर्गत मिक्सिन एनिमल को एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब म्यूजियम स्पेसिमेन की स्टडी करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन होता है। तो मिक्सिन अपन को पता है कि मिक्सिन एनिमल का अपन को स्टडी करनी है, और फिर उसका अपन देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। और सिस्टमेटिक पोजीशन जब अपन देखते हैं तो ये फाइलम कोर्डेटा में पाया जाता है, और कोर्डेटा के की करेक्टर पाए जाते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का एनिमल है, और क्लास इसकी साइक्लोस्ट्रोमेटा होती है, और एक ग्रुप वर्टिब्रेटा जो फाइलम है उसका ग्रुप है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसका ग्रुप एक डिवीज़न पाई जाती है एगनेथा, उसमें जो पेट्रोमाइज जो मिक्सिन है वो आता है, ये अपना एनिमल आता है। और फिर एगनेथा के अंतर्गत साइक्लोस्ट्रोमेटा एक लिविंग एनिमल की क्लास है साइक्लोस्ट्रोमेटा, जिसका कि ये जंतु है। इसका ऑर्डर मिक्सिनिफॉर्मिस होता है, जिसमें कि ई लाइक स्लाइम, ई लाइक म्यूकल सीक्रेट करने वाली एनिमल आते हैं। तो ये मिक्सिनिफॉर्मिस ऑर्डर में आता है। फैमिलीज की मिक्सिनिडी होती है, जीनस मिक्सिन होता है, और मिक्सिन ग्लूटिनोसा इसकी स्पीसीज होती है। और स्पीसीज को लिखने का तरीका हमेशा जो जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और जो स्पीसीज होती है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। और इन दोनों को या तो इटैलिक्स में टाइप करते हैं या फिर अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, जो मिक्सिन है वो दिखता कैसा है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो अपन पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, ये दो म्यूजियम स्पेसिमेन हैं जो कि एक ही क्लास के हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि अलग अलग ऑर्डर में पाए जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। तो इसके अगर अपन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखें तो इसमें जो माउथ होता है इसका, वो माउथ इसका टर्मिनल होता है, एंड पे पाया जाता है। नोस्ट्रिल जो एपर्चर है वो भी टर्मिनल होता है, ये सिरे पे एंटीरियर एंड पे पाया जाता है। और इसमें एंटीरियर एंड पे सेंसरी टेंटेकल्स पाए जाते हैं, और सेंसरी इसमें जो ओपनिंग ऑफ स्लाइम ग्लैंड्स भी इसमें पाई जाती हैं, जो कि पूरी बॉडी में होती है, जो कि स्लाइम का सीक्रेशन करने का पोर्स के रूप में अपन को दिखाई दे रही हैं, ये पाए जाते हैं। इसमें एक्सटर्नल गिल्स होते हैं जो 6 से 14 पेयर्स के आसपास होते हैं। हेड रीजन, हेड ट्रंक और टेल रीजन में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। इसके अलावा इसमें एक जो फिन है वो वेंट्रल और कोडल फिन पाया जाता है, इसमें डोर्सल फिन नहीं पाया जाता है। और यही इसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में दिखाई देने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। अब अपन इसके देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले जो मिक्सिन वर्ड है ये ग्रीक मिक्सा से आया है, जिसका मतलब म्यूकस या स्लाइम होता है। तो इसका स्लाइम प्रोडक्शन करने वाला जो एनिमल है उसे मिक्सिन कहते हैं। ग्लूटिनोसा जो नाम है वो लेटिन वर्ड ग्लूटिनोसस से आया है, जिसका मतलब विस्कस या स्टिकी से होता है, कि जो स्पीसीज स्लाइम प्रोड्यूस करती है स्टिकी होती है वो स्पीसीज ग्लूटिनोसा कहलाती है। इसलिए इसका जो नाम है, जो जीनस और स्पीसीज हैं, वो मिक्सिन ग्लूटिनोसा जो स्लाइम प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड इसका नाम रखा गया है। और मेनली कॉमनली इनको हैग फिशेज कहते हैं। हैग फिश मिक्सिनिफॉर्मिस के जो एनिमल होते हैं, मिक्सिनिफॉर्मिस ऑर्डर में जो एनिमल होते हैं वो हैग फिश कहलाते हैं। ये ईल शेप्ड होते हैं, ईल जैसी आकृति होती है, स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं, और मरीन फिश होती हैं, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन हैबिटेट में रहती हैं, समुद्र में रहने वाली होती हैं, इन्हें स्लाइम ईल्स भी कहते हैं। और इन ये नॉन लिविंग एनिमल है, वर्टिब्रेट है, जिनमें कि वर्टिब्रल कोलम नहीं होता है, सिर्फ एक स्कल इनमें पाई जाती है, वर्टिब्रल कोलम नहीं होता है, रूडिमेंट्री वर्टिब्री इनमें पाई जाती हैं। और ये जो हैग फिशेज हैं ये लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले इनका निर्माण इवोल्यूशन हो चुका है, ये इतनी 300 मिलियन ईयर्स
एगो से लेकर के अब तक हैं। और इसका क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें तो यह थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसका क्लासिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि जो हैग फिशेज हैं इन्हें एक थ्योरी के अंतर्गत तो ये माना जाता है कि ये डीजनरेटेड फॉर्म टाइप हैं वर्टिब्रेट फिश की। इवोल्यूशन में इसमें वर्टिब्री जो हैं वो लॉस्ट हो गए, तो ये डीजनरेटेड टाइप हैं वर्टिब्रेट फिश की, ये ओरिजिनल स्कीम में ये माना जाता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये लैम्प्रे की क्लोजली रिलेटेड है लैम्प्रे से, पेट्रोमाइजोन से। लेकिन इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम है ये बाद में इवोल्व हुआ था लेंसलेट से, लेंसलेट से इनका निर्माण हुआ है जो कि ब्रेंक्योस्ट्रोमा होता है। ये अल्टरनेटिव स्कीम है जिसमें माना जाता है कि लेंसलेट से आगे चल करके इवोल्यूशन होकर के वर्टिब्री का निर्माण हुआ और फिर इनका निर्माण जो मिक्सिन है, मिक्सिनिफॉर्मिस है, ये हुए। लेकिन डीएनए एविडेंस के आधार पर माना जाता है कि ये डीजनरेटेड फॉर्म है वर्टिब्रेट्स की, जो ओल्डर स्कीम है वही मान्य है। ओरिजिनल जो स्कीम है जो ग्रुप हैग फिश है, ग्रुप्स है हैग फिश लैम्प्रे, ये दोनों साथ साथ साइक्लोस्ट्रोम हैं, ये साथ साथ डेवलप हुए हैं और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्लास है वर्टिब्रेट्स की, जो कि गनेथोस्टोम्स। नेथोस्टोम्स एक एग्नेथा डिवीजन है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते और जबड़े पाए जाने वाली वर्टिब्रेट्स नेथोस्टोम्स कहलाते हैं। तो इन दोनों का जो डेवलपमेंट है, जो इवोल्यूशन है, वो साथ साथ हुआ है कि एक तरफ लैम्प्रे और हैग फिशेस का निर्माण हुआ और एक तरफ फिर निर्माण हो गया बाकी जो अपने वर्टिब्रेट्स हैं, नेथोस्टोम्स हैं, उनका हुआ है। अब अपन देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इसमें जबड़े रहित माउथ होता है, सिंगल नेजल एपर्चर होता है, जो कि एक्सटर्नल जो नेजल एपर्चर है ये टर्मिनल जो एंटीरियर पार्ट है उसके टर्मिनल पे एंड पे पाया जाता है। सिंगल पेयर एक्सटर्नल गिल ओपनिंग इसमें होती है, ओपरकुलम नहीं होता है। और जो कलर है इसमें पाया जाने वाला, वो कलर में वेरिएशन पाए जाते हैं और ये हमेशा सी के बॉटम में पाई जाती हैं। और जो डिफेंस के लिए इसमें स्लाइम पाया जाता है और फीड ये करती हैं ड्राइंग जो मरी हुई फिशेज होती हैं उनके डेड पार्ट्स पे, क्योंकि ये बॉटम में पाई जाती हैं और वहाँ पे ये इन सबको यूज करती हैं। और ये नॉक्टर्नल होती हैं मेनली, और इनके एग्स जो ये एग देती हैं वो फ्यू नंबर में एग देती हैं और उनके एग्स बड़े होते हैं साइज में, और इनमें जो लार्वल स्टेज है वो नहीं पाई जाती है। और कोपुलरी ऑर्गन जो है वो इसमें एब्सेंट होता है। गोनड्स जो होते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में पाए जाते हैं। और ओवरी जो होती है वो एंटीरियर पोर्शन ऑफ गोनड में पाई जाती है और टेस्टिस पोस्टीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। ये एनिमल जो होता है वो फीमेल यदि है तो क्रेनियल पार्ट गोनड का है वो डेवलप होता है फीमेल में और कोडल पार्ट मेल में डेवलप हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो जो एनिमल होता है वो स्टेराइल हो जाता है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट यदि डेवलप हो जाते हैं तो ये हर्माफ्रोडाइट बन जाता है, हर्माफ्रोडिटिज्म इसमें पाई जाती है। और ये जो पूरे साल भर ही डीप वाटर में ब्रीड करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। इस तरह से अपना जो मिक्सिन है वो अपना यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।